डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. सभी लोग ज्वाइन करें, सभी लोग डियर विद्यार्थियों ज्वाइन करो. तो कल आपका एग्ज़ाम है भाई NWDA का. तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी लोगों को भाई गुड लक कल के एग्ज़ाम. जिन लोगों का भी एग्ज़ाम है, जिन लोगों का नहीं है तो कोई बात नहीं, जिन लोगों का है उन सभी लोगों को गुड लक. ओके, गुड लक जी ऑल स्टूडेंट. चलेगा. तो आज का जो हमारा सेशन है, थोड़ा सा उसको आगे करने से पहले एक जानकारी आपको दे दूं कि कल का जितने भी लोगों का एग्ज़ाम है, कल का जितने भी लोगों का एग्ज़ाम है NWDA, ठीक है ना, कल है ना, 1 अगस्त को है, ठीक है ना. अलग अलग स्टेट्स में इसके सेंटर हैं, जैसे कि यहाँ पर भी है, देहरादून में, दिल्ली में, हर अलग जगह में वह है. स्टडी विद SK, गुड इवनिंग मुकेश गुप्ता, गुड इवनिंग जी. तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि आज की रात का एक डोज लेके जरूर एग्ज़ाम में जाइएगा, जितने लोगों का एग्ज़ाम है. खैर, जिन लोगों का एग्ज़ाम नहीं है वो तो क्लास देखेंगे ही है, लेकिन जिन लोगों का एग्ज़ाम भी है वो भी ज़रूर क्लास को देखिएगा. और वो कितने बजे है? 9 बजे पर होगा, 9 PM पर, टुनाइट, आज पर, ठीक है ना, टुडे. ओके, 9 बजे पे शाम को, ठीक है. 9 से जितना भी वो पेपर खींचेगा, लगभग 60-62 क्वेश्चन है, 65 क्वेश्चन है लगभग, ठीक है ना, लगभग 60-62 क्वेश्चन है, ठीक है ना. कुछ तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ आपके जो न्यूमेरिकल पार्ट्स है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पर आया हुआ था. डिफिकल्ट तो नहीं कहूँगा मैं, मैंने एक चीज़ खासियत देखी NWDA एग्ज़ाम की कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है इसमें. जैसे DFCCL से अगर हम इसकी कंपेयर करूँ, DFCCL का एग्ज़ाम में भाई बहुत अच्छे लेवल का पेपर बना हुआ है DFCCL का. उसमें क्या होता है कि रेलवे का, प्रीस्ट्रेस कंक्रीट का, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, कॉन्सेप्चुअल FM का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. लेकिन NWDA में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कुछ भी नहीं था. मैंने 2019 का पेपर को एनालिसिस किया है, मैंने पूरा पेपर को एनालिसिस किया और उसका सॉल्यूशन मैंने तैयार कर दिया है. वो मैं आज रात आपको बताऊंगा 9 बजे में, पूरा 2019 का पेपर पूरा सॉल्व करके आपको कराऊंगा, ठीक है, अच्छे से बिल्कुल बोर्ड पे एक एक चीज़ को समझा के करूँगा. लेकिन मुझे ये भी ज़रूर ध्यान है कि आपका जो है कल पेपर है, तो मैं आपको थोड़ा सा 5-6 घंटे नींद लेने का समय भी ज़रूर ध्यान में रख के चलूँगा, जिससे कि आप थोड़ा सा नींद लेके चलें 4-5 घंटे का, और 5 घंटे लगभग कल एग्ज़ाम दें बढ़िया से, क्योंकि पेपर भी आपको देना ही है, ठीक है. बोल रहे हैं सर, UPPCL सिविल का पेपर कब तक हो सकता है? देखो यार, सितंबर तक भी हो सकता है, ठीक है ना. अपनी तैयारी बढ़िया रखो, ये समझो कि आपके पास बहुत कम समय है, ठीक है ना. गुड इवनिंग जी प्रिया, जिंदगी विद RK, हाँ ठीक है, प्यारी जिंदगी विद RK. मैं प्रिया जिंदगी समझ गया. मैंने कहा सही गए भाई तुम. चलो खैर, तो चलिएगा, मिलते हैं आज 9 बजे. आप इस क्लास को बिल्कुल मिस ना करिएगा, इसमें मैं बहुत अच्छे से आपको जो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है परफेक्टली बोर्ड पर आपको समझाऊंगा बढ़िया से, जैसे मैं समझाता ही आपको पता ही है. चलिए खैर, स्टार्ट करते हैं सेशन को. बिल्कुल, एक क्वेश्चन आपका नंबर 1 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिट ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट दैट कैन बी अचीव्ड इन द एयर ड्राइंग प्रोसेस ऑफ द टिम्बर. ये सेशन भी अभी तुम्हारा जो है 30-40 क्वेश्चन हम जो करेंगे लगभग, ये भी तुम्हारा पूरा बेनिफिट होगा तुम्हारा NWDA एग्जाम के लिए, ठीक है. हाँ सर, गूगल पर 25 अगस्त बता रहा है. देखो यार, अब 25 अगस्त हो, सितंबर के शुरुआत में हो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है. 25 अगस्त और शुरुआत का 1 तारीख होगा, 3-4 दिन ही रहता है. तो अपना टारगेट ये रखो, आपके पास 1 हफ्ता है या 2 हफ्ता है मैक्सिमम. ऐसा मत सोचो कि आराम से होगा सितंबर अक्टूबर तक. आप ये टारगेट रखो कि आपके पास लास्ट 1 हफ्ता है इस तरह से, या मैक्सिमम 2 हफ्ते को टारगेट चलो, इस तरह से रखो दिमाग में, ठीक है ना. जुलाई ख़त्म है, अगस्त शुरू हो गया भाई, है ना. तो मैक्सिमम आप एक टारगेट रखो 2 हफ्ते का, 14 दिन का, और उसमें सारे सब्जेक्ट को दमादम खत्म करो. महेश वर्मा, नमस्ते गुरु जी, नमस्ते जी. तो यहाँ पर ये स्टूडेंट, एक्चुअली में क्या होता है कि वैसे तो आपका जो एयर ड्राइंग प्रोसेस के लिए जो मॉइस्चर कंटेंट हमें नीचे लाना पड़ता है FRI के अकॉर्डिंग, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के गाइडेंस के बेस पर, तो वो 10 से 12% का रेंज है, याद है आपको. लेकिन एक कैलकुलेशन पर्पस के लिए अगर ध्यान देखें हम, तो यहाँ पर हम लिमिटेशन जो है 15% तक लेते हैं. कितना ले लेते हैं? 15% तक ले लेते हैं. डियर स्टूडेंट, वेरी गुड. चलो खैर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट, कौन सा नहीं है। महेश वर्मा बोल रहे हैं गुरुजी राजस्थान के लिए रहे। डियर स्टूडेंट महेश वर्मा जी, सोमवार से आपका मंडे से आपका एक स्पेशल सेशन शुरू हो रहा है, स्पेशल फॉर संडे RSMSSB राजस्थान जेई के लिए, जो कि डिग्री होल्डर के लिए था, जो कि डिग्री होल्डर के लिए, जो कि पेपर हो चुका था आपका, लेकिन री एग्जाम हो रहा है, वो पेपर लीक हो चुका था, वो कोई बात नहीं। खैर जेई वालों को तो एग्जाम का डेट वो भी आ गया, रिजल्ट भी आ गया, आप जानते हैं। बट मंडे को मैं एक नया क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, परफेक्टली वो जो होगा RSMSB जेई के लिए होगा, ऑब्जेक्टिव क्लास होगा डियर ये। और ऑब्जेक्टिव में हम इस तरीके से डील करेंगे, जैसे कि हम रात को आक्चुअल क्लास कर रहे हैं NWDA के लिए, तो उसी बेस पर हम क्लास को डील करेंगे 10 बजे वाला भी। तो सोमवार का इस दिन होगा और क्लास शुरू हो रही है आपकी, सीरीज नंबर 1 होगा वो, ठीक है। तो ये होता है डियर स्टूडेंट एसिड मिस्ट कंपाउंड, सी ऑप्शन होगा यहाँ पर आपका। यहाँ पर अगर आप देखें तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट अगर बात करें अगर आप, तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट में जो आते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट का मतलब क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली इंजेक्टेड होते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये ऑक्साइड्स ऑफ दी नाइट्रोजन हो गया, सल्फर ऑक्साइड्स हो गया, या वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए, या पार्टिकुलेट मैटर्स हो गए, जैसे कि डस्ट ऐसे सारे हो गए। तो यहाँ पर आपका केवल एसिड मिस्ट कंपाउंड था, ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट नहीं है, ओके। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, पर डे 1000 MCQ चलेगा, इसी तरह से रहेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, पर डे 1000 MCQ। सर यूके SSSC के लिए भी कुछ कीजिए। देखो कविता टमजा जी, यूके SSSC का आपको जहाँ तक मैं आपको एक इन्फॉर्म दे दूँ, तो लगभग लगभग अगस्त के लास्ट साथ तक और सितंबर के फर्स्ट तक यूके SSSC का भी जेई का फॉर्म आने वाला है। अभी तो आपके कुछ ड्राफ्ट मैन की पोस्टें आई हुई हैं, वो भी तुम्हारे लिए कम बेनिफिशियल नहीं है, बट यूके SSSC के लिए भी कुछ टारगेट हम कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत ही जल्दी एक बैच ला रहा हूँ मैं, फाउंडेशन बैच, जिसमें कि बहुत ही डेप्थ किसे जेई का, तो परफेक्टली जो है पोस्टमार्टम जेई के लिए पूरा पोस्टमार्टम सब्जेक्ट का होगा, उसको पढ़ेंगे हम। मोस्ट अप्रोप्रिएट वेल कंडीशन ट्राइंगल, वो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट वेल कंडीशन ट्राइंगल कौन सा होता है, जो कि आप जानते हैं कि 30 से 120 डिग्री के रेंज में होता है, कितना होता है जल्दी से जवाब करें। इक्विलेटरल बोलते हैं ना इसको, इक्विलेटरल ट्रायंगल इसको बुलाता है, तो ए ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही हो जाएगा, वेरी गुड। ये देख पा रहे हैं आप इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना, ये तुम्हारा आइडियल ट्रायंगल होता है, वेल कंडीशन ट्रायंगल ये है, ठीक है ना। ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल एक तरह से बेस्ट कंडीशनड ट्रायंगल है, जिसको हम आइडियल ट्रायंगल भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना आपको, ये देख भी रहे हैं आपका जो एंगल होता है, इट शुड नॉट बी लेस देन 30 डिग्री एंड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 120 डिग्री, मतलब कि 30 से 120 डिग्री का रेंज होता है, वेरी गुड। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट आपने जवाब करना है द टू पार्ट ऑफ द टी स्क्वायर आर। टी स्क्वायर आपने देखा होगा, टी स्क्वायर आपने बहुत जगह पर यूज भी किया होगा, जब आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग किया होगा या इवन आपने बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ा होगा, ठीक है ना। खासकर डिप्लोमा स्टूडेंट तो पढ़ता ही है ये सब्जेक्ट, इंजीनियरिंग ड्राइंग, बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ा ना आपने, पढ़ते नहीं पढ़ते हैं स्टील ड्राइंग, ठीक है ना। तो इसमें तो आपने यूज किया ही होगा टी स्क्वायर, उसके दो पार्ट होते हैं, वो दो पार्ट कौन से होते हैं ये आपको जवाब करना है, जल्दी से बताइएगा, क्वेश्चन का जवाब करें। क्वेश्चन नंबर 4, नहीं नहीं सुबह में पेड़ नहीं होगा बेटा, महेश वर्मा जी वो क्लास निःशुल्क आपका जो है, जो ये तुम्हारा RSMSB के लिए, RSMSSB जेई के लिए जो डिग्री वालों के लिए वो क्लास है, वो 10 बजे आप लोग बस सब लोग क्लास में रहें जरूर, वो स्पेशली आपका जो है यूट्यूब में है वो अभी, ठीक है ना, यूट्यूब में है, ठीक है ना, यूट्यूब में हो। चलिए खैर बताओ, टू पार्ट ऑफ टी स्क्वायर आर, टी स्क्वायर का बोलो जल्दी से बताओ, टू पार्ट ऑफ टी स्क्वायर बोलो जल्दी से, फाउंडेशन बैच पेड होगा, हाँ फाउंडेशन बैच जो होगा बनाएगा वो पेड होगा, ठीक है ना। फाउंडेशन बैच बहुत जल्दी आने वाला है, जिसको मैं लक्ष्य बैच करके नाम देंगे हम, जिसमें कि जेई को स्पेशली टारगेट करेंगे, जेई को बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती है छोटी छोटी चीज़ों में, ठीक है ना। नॉर्मली हमारे जो बैच हैं जैसे कि SSC JEE में, तो एक लेवल थोड़ा ऊपर है पढ़ाया गया है, जैसे कि UPSC AE के लिए हमने पढ़ाया था, वहाँ पर थोड़ा सा एक लेवल ऊपर है, तो हम सोच रहे हैं फाउंडेशन बैच बिल्कुल जीरो स्तर से, बिल्कुल
बिल्कुल पानी के तरह उड़ाया जाए सब्जेक्ट को। तो आप बोलेंगे सर एक तो होता है स्टॉक और एक होता है ब्लेड, एक होता है स्टॉक और एक होता है ब्लेड, ये कह सकते हैं आप। ये फिगर आप देखें जरा ध्यान से, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है डियर स्टूडेंट कि ये वाला जो पोर्शन है इसको बोला जाता है स्टॉक, नीचे वाला टी स्क्वायर यही है ना जी। अरे आपने टी स्क्वायर तो देखा होगा जी, बचपन में तो देखा ही होगा, अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग में नहीं देखा। नीचे वाले पोर्शन को बोला जाता है स्टॉक। हाँ यही के लिए लगा दो गुरु जी पे, ठीक है जी जरूर। तो ये हो जाएगा आपका स्टॉक और ऊपर वाला पोर्शन ये होता है ब्लेड, ठीक है ना। ये जो तुम्हारे किनारे हैं उनको बोला जाता है वर्किंग एजेज। और आप जानते हैं टी स्क्वायर तो 90 डिग्री पर तो होगा ही, खैर परपेंडिकुलर होगा। तो ये आपने देखा कि दो पार्ट में है, यहाँ पर एक स्टॉक और एक ब्लेड, दो पार्ट हैं टी स्क्वायर के, ठीक है ना। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में ना, जो कि आपको एक्सपेक्टेशन भी नहीं रहती कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। पूछा गया भी, मैं आपको रात में जो है 9 बजे आज रात को आपको NWDA का एग्जाम का पेपर सॉल्व करा रहा हूँ 2019 का पूरा पेपर। उसमें देखोगे आप बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग लगभग 3 से 4% क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका कोई तोड़ नहीं है, लेकिन फिर भी हमें याद तो करना ही पड़ेगा, तो करना पड़ेगा जी। चलो जी बताओ, फुल डिटेल होगा। हाँ, इन केस ऑफ अ कंपोजिट कंस्ट्रक्शन द इफेक्ट ऑफ क्रिप एंड श्रिंकेज, इन केस ऑफ द कंपोजिट कंस्ट्रक्शन इफेक्ट ऑफ द क्रिप एंड श्रिंकेज क्या होगा। कैन बी इग्नोर्ड एट द अल्टीमेट लिमिट स्टेट ड्यू टू लार्ज इन द इलास्टिक स्ट्रेन इंड्यूस। जब हम बात करते हैं कंपोजिट कंस्ट्रक्शन में, तो वहां पर जो आपका अल्टीमेट स्टेट में जो आपका इलास्टिक स्ट्रेन होता है, इंड्यूस होता है, ठीक है ना, बोल रहा है कैन बी इग्नोर्ड, देखो जरा सुनो ध्यान से, कैन बी इग्नोर्ड एट द अल्टीमेट स्टेट, अल्टीमेट लिमिट स्टेट ड्यू टू लार्ज इन इलास्टिक स्ट्रेन इंड्यूस। बी ऑप्शन आप कहोगे सही। आगे बढ़े चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अ क्रैक विच सेपरेट द वुड फाइबर, क्रैक विच सेपरेट द वुड फाइबर इज नोन एज। बताओ जरा छठवां क्या होता है। ये तुम्हारा टिम्बर से क्वेश्चन है, टिम्बर जिन लोगों ने पढ़ा होगा मेरे साथ BMC का क्लास हमने आपको बताया था, तो वहां पर इस चीजों को बताया था। एक होता है स्प्लिट, एक होता है वार्प, एक होता है कोलैप्स और एक होता है चेक। क्या नाम कहोगे जल्दी से बोलो। डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपका ऑप्शन देखो दो चीजें हैं। चेक इज द क्रैक दैट डज नॉट एक्सटेंड फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड। कहने का मतलब ये है कि ये तुम्हारे पास एक प्लेट ये है, तो अगर तुम्हारे पास ऐसा एक जगह पर स्प्लिटिंग फटना क्रैकिंग होना शुरू हो गया है, ठीक है ना, क्रैकिंग होना अगर आपका समझे हो क्या, क्रैकिंग होना शुरू हुआ है और अगर आपका वो एक्सटेंड नहीं कर रहा है दूसरे एंड तक, तो उसको बोल देते हैं चेक। लेकिन स्प्लिट का मतलब क्या होता है, स्प्लिट का मतलब है कि जैसे मैं ये प्लेट कहूँ, यहाँ पर ऊपर बता देता हूँ, यहाँ पर ये प्लेट है सपोज दैट, अगर एक एंड से स्प्लिटिंग हुआ क्रैकिंग हुआ और वो पूरे दूसरे एंड तक ये एक्सटेंड कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हम स्प्लिटिंग। तो चेक दैट एक्सटेंड फ्रॉम वन एंड टू अदर। तो यहाँ पर तो खैर आप जवाब करोगे क्रैक विच सेपरेट वुड फाइबर, सेपरेट्स वुड फाइबर, सेपरेट कर दे रहा है पूरा सेपरेट कर दे रहा है, तो स्प्लिट कहोगे यहाँ पर, है ना, समझ गए, पार्सली कहता, ठीक है ना, तो तब आपका चेक हो जाता। अच्छा जय नेक्स्ट जवाब करो जरा। फॉर हाउ लॉन्ग इज टिम्बर बॉइल्ड इन वाटर इन द सीजनिंग मेथड ऑफ द बॉइलिंग, 1 to 2 hours, 3 to 4 hours, 5 to 6 hours और 10 to 12 hours। फॉर हाउ लॉन्ग इज टिम्बर बॉइल्ड इन वाटर इन द सीजनिंग मेथड ऑफ बॉइलिंग, 1 से लेकर 2 घंटे, 3 से 4 घंटे, 5 से 6 घंटे या 10 से 12 घंटे। तो आप बोलोगे सर ये 3 से 4 घंटे में होता है, ठीक है ना, कितना लिया जाता है सीजनिंग, बॉइलिंग सीजनिंग, ठीक है ना, टिम्बर का जो मेथड है सीजनिंग मेथड ऑफ बॉइलिंग, ये देख पा रहे हैं आप, ये तुम्हारा इस तरह से ये बॉयलर यूज किया जा रहा होगा, यहाँ पर ये सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज ऑल्सो अचीव्ड बाय बॉइलिंग इन द वाटर फॉर द 3 to 4 hours, ठीक है ना, 3 to 4 hours, ध्यान रखना।
विच इज द टाइप ऑफ द वॉल विच कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट वॉल विद अ गैप इन बिटवीन देम. कौन सी वॉल होता है, जल्दी से जवाब करो. जो आपको गैप बिटवीन, दो आपकी वॉल है, दो वॉल के बीच में एक गैप होता है, तो उस तरह का वॉल को हम क्या कहते हैं, उस तरह की वॉल को हम क्या कहते हैं. क्वेश्चन नंबर एट में, क्वेश्चन नंबर एट में जवाब जल्दी से करें, हर एक क्वेश्चन का जवाब जरूर डील करें, है ना, हर एक क्वेश्चन का जवाब जरूर डील करें. बताओ जरा क्या होगा इसमें. क्या होगा, इसको कैविटी वॉल बोला जाता है यार, कैविटी वॉल बोला जाता है. सी ऑप्शन इसको बोला जाता है, कैविटी वॉल, ठीक है ना. दिस इज द कैविटी वॉल. ये यहां पर देख पा रहे हैं आप फिगर से, ये देखो फिगर को देखो ना, अच्छे से समझ आ रहा है फिगर से ही. ये देखो ये कैविटी भरी हुई है, इनर वॉल और ये तुम्हारा ये कैविटी है, ये आउटर वॉल है इनके बीच में. तो ये एक्चुअली में इंसुलेशन के लिए करा जाता है. अगर आप देखें यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ें, पार्टीशन वॉल आर बिल्ट टू डिवाइड द स्पेस विद इन द बिल्डिंग. कैविटी वॉल आर दी वॉल विच कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट वॉल विद अ गैप इन बिटवीन देम. पार्टी वॉल सेपरेट एडजेसेंट बिल्डिंग ऑक्यूपाइड बाय डिफरेंट ओनर एंड सेपरेटिंग वॉल. ठीक है ना, बोल रहे हैं कि बिल्डिंग मटेरियल नहीं आए, बीएमसी नहीं भाई, आया हुआ है, कुछ क्वेश्चन आया हुआ है, कम है लेकिन आया हुआ है. जैसे कि आपका एग्रीगेट से है, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट पर एक जो था, सीएफटी पढ़ते ना, वहां से एक क्वेश्चन था, ठीक है ना, एक छोटा सा क्वेश्चन कॉन्क्रीट का भी था. कम है लेकिन आया हुआ जरूर है. ज्यादा क्वेश्चन आपका हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन का है, उसके तो मैंने आपको कल बहुत लंबी सीरीज चलाई इरिगेशन की, हाइड्रोलॉजी. इस हफ्ते हमने करा क्या, इस हफ्ते पूरा यही तो मैंने कहा था आपको सोमवार के, मैंने पिछले सोमवार को कहा था, मतलब कि इस हफ्ते के जो फर्स्ट में सोमवार आया था, ये पूरा हफ्ता NWDA के लिए होगा. मैंने देखा, आपने देखा होगा कि शाम की क्लास में 5 बजे भी हमने वही इरिगेशन या हाइड्रोलॉजी को फोकस किया, सर्वे को, सॉइल को. यार रात में देखें आप तो रात में भी टोटली इन सब्जेक्ट का ही थ्योरी प्लस यही ऑब्जेक्टिव इस तरह से ही चलते रहा. आज तो पूरा पेपर ही सॉल्व करेंगे हम. तो बोलेगा कॉफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कॉन्क्रीट इज मोर कॉफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन एग्रीगेट. मोर नहीं होगा भाई, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो. कॉफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कॉन्क्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अरे यार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा ना. देखो अगर आपका एग्रीगेट का एक्सपेंस जो कॉफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन वो बढ़ेगा तो इनडायरेक्टली कॉन्क्रीट का भी तो थर्मल एक्सपेंशन बढ़ेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कहोगे. सी ऑप्शन करेक्टली है, ठीक है ना, गलती हो गई आपसे. इन द हाइडल सिस्टम अ फोर बे इज यूज एट द जंक्शन ऑफ, फोर बे को यूज किया जाता है कहां पर, फोर बे को आप कहां पर यूज करते हैं, पावर चैनल और टेलरेस, पावर चैनल एंड पेनस्टॉक, पेनस्टॉक एंड टर्बाइन या टेलरेस चैनल. जल्दी से बताओ जरा, जल्दी से फटाफट से, ए बी सी में कौन सा चीज नहीं आया समझ में, ये वाला चीज समझ नहीं आया क्या, समझा दो गुरुजी. कौन समझ नहीं आया, ये वाला क्या, ये वाला समझ नहीं आया. देखो आपको पता है कि जब आप कंक्रीट को पढ़ते हैं, देखो ना सिंपल से कोई लिया लॉजिक है, कंक्रीट की बात करते हैं जब, तो कंक्रीट में आपको पता है कि सीमेंट होता है प्लस आपको पता है कि फाइन एग्रीगेट होता है प्लस कोर्स एग्रीगेट होता है, मतलब कि रूढ़ी और बजरी. आपको पता है कि 70 से लगभग 80% जो वेटेज रहता है वो केवल अकेला एग्रीगेट का होता है, और ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो कॉन्क्रीट से ही, मतलब कि एग्रीगेट से ही आती है कॉन्क्रीट में. तो कहता हूं भाई यही तो कहा है कि थर्मल एक्सपेंशन अगर एग्रीगेट का बढ़ेगा, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेशन होगा ना, तो आपका कॉन्क्रीट का बढ़ेगा, तो डायरेक्टली आपका सिंबल से समझ में आने वाली कोई बात नहीं थी इसमें. खैर तो यहां पर आप लोगों का आंसर जो है, सब लोगों का पावर चैनल और टेल रेस बोल रहे हैं भाई, सी ऑप्शन नहीं होगा इसमें, ठीक है ना. यहां पर सी नहीं है, पावर चैनल और पेन स्टॉक के बीच में होता है. अब देखना चाहें तो ये देखो,
आप गलत क्यों कर रहे हैं आंसर, ये तुम्हारे पास पावर स्टेशन है, मतलब कि टर्बाइन है, ठीक है ना, टर्बाइन और पेन स्टॉक के, ठीक है ना, ये है। इन द हाइडल सिस्टम पावर चैनल एंड पेन स्टॉक, दिस द फोर बे इज द यूज्ड एट द जंक्शन ऑफ पावर चैनल एंड पेन स्टॉक। व्हेन द कैनाल लीड टू वाटर टू द टर्बाइन, द सेक्शन ऑफ कैनाल इन फ्रंट ऑफ टर्बाइन इज एनलार्ज, थोड़ा सा स्पेस बढ़ाया गया है एनलार्ज टू क्रिएट द फोर बे। द फोर बे टेम्पररी स्टोर्स वाटर फॉर सप्लाइंग द सेम टू द टर्बाइन। एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि आप टेम्पररी स्टोर्स कर पाए पानी को, ठीक है ना, सडनली अगर आगे से अगर पानी रोक रहे हैं, अगर वो पीछे तो आएगा, तो पीछे आपने एक टेम्पररी स्टोरेज दिया है जिससे कि पीछे लोड तुरंत ना आए, और पीछे अगर आपने ये स्टोरेज नहीं दिया है टेम्पररी स्टोरेज, तो पीछे वो पाइप को बस्टिंग कर सकता है, फाड़ सकता है पाइप को। तो ये है एक्चुअली में। चलिए खैर, ये बताओ हेलो सर जी, हम आ गए, आप तो रात में आते हो इस टाइम, आशुतोष कुमार जी रात में आते हैं, लेकिन 5 बजे भी क्लास होती है मेरी, पता ही नहीं है बहुत लोगों को, इसीलिए तो कहता हूँ कि आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करो, हमारा नुकसान नहीं होगा आपका फ़ायदा ही होगा, टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करो तभी फ़ायदा होगा, सही बता रहा हूँ। हाँ, इसलिए आपको जो है मेरा जितना भी क्लास का इन्फॉर्मेशन है सिविल इंजीनियरिंग का, ईएडी ऑनलाइन क्लासेस का, सब आपको दिखता रहता है, ईएडी सिविल ऑफिशियली, ये है हमारा टेलीग्राम का ग्रुप, इसमें जो है आप क्या करो, जुड़ो और आपको सारी क्लासों का, सभी चीजें का, हाँ क्या बोल रहे हैं, बोलेगा फंक्शन ऑफ द पोर्टर ब्रिज इन द ट्रस्ट, तो ये क्या करेगा, एक तरह से एडिशनल स्टेबिलिटी, मतलब कि स्टेबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ाएगा जी, स्टेबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ाएगा, तो इसमें सी ऑप्शन है, किसी का भी आंसर अभी तक सही नहीं आया, कैसे समझे। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि पोर्टल क्या होती है, ट्रस्ट तो आपने देखा ही होगा ब्रिज में जो ट्रसेज होते हैं स्टील के, इसमें जो पोर्टल होते हैं एक एडिशनल मेंबर होते हैं डियर स्टूडेंट, मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस फिगर के माध्यम से, ये तुम्हारे पास जो ये जो मेंबर जुड़े हैं ना ऐसे ऐसे ऐसे, ये एडिशनल पोर्टल लगे हुए हैं, अब देख पा रहे हैं यहाँ पर पोर्टल स्टड एंड ब्रेसिंग, ये देखो आधे अलग, तो आप किसी भी मेंबर, माना सपोज दैट तुम्हारा ये स्ट्रक्चर है, ऐसा है ये स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर हैं, इसमें छोटे छोटे बार्स और मैं इनको मजबूती दे दूँ तो स्टेबिलिटी बड़ी नहीं बड़ी, हाँ सर, तो ये हो जाएगा आपका कहानी बढ़िया से, आगे बढ़ जाते हैं, ये देखो इसी के जो आप वर्केबिलिटी बोल रहे थे ना, तो वर्केबिलिटी से जब हम आप कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट CFT से निकालते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन आपका आया था भाई। खैर इसमें जवाब करो आप, द फिगर गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स इज, ये फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जल्दी से जवाब करो, क्वेश्चन नंबर 14। आज का जो हमारा 9 बजे का क्लास होगा डियर स्टूडेंट 9 PM पर, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आज जरूर क्लास को करें आप ज्वाइन, बिल्कुल मिस ना करें, 9 PM पर आपका जो क्लास होगा वो होगा टोटली पूरा बोर्ड पर आपको समझाऊंगा बढ़िया सा है हर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को, जो कि होगा NWDA 2019 का पेपर सॉल्यूशन, NWDA 2019 का पेपर सॉल्यूशन, ठीक है। अब बताओ क्या हो जाएगा ये, सियर सलम कोलैप्स सलम, वेरी गुड, रवि जी ने सबसे पहले जवाब किया सही, और ये है आपका, नहीं पहले इन्होंने किया था मुकेश गुप्ता जी ने, तो ये हो जाएगा आपका कोलैप्स स्लम, इसको बोला जाता है। ये देखो आप यहाँ पर तीन तरह का स्लम्प हम कहते हैं, जब वो सब्सिडेंस जो आपका कोन का टॉप व्यू है, टॉप से लेकर जो आपका कंक्रीट का जो सरफेस टॉप सरफेस दिखेगा उसी सब्सिडेंस से हम पता लगा देते हैं कि कौन सा स्लम्प क्या है, तो ये आपका सबसे बेस्ट जो स्लम्प है वो होता है ट्रू स्लम्प, अच्छा कॉन्क्रीट मजबूती जगह पर, सियर स्लम्प मीडियम लाइट मीडियम का, कोलैप्स स्लम्प ये सबसे खराब, ठीक है ना। ये देखो भाई साहब ये पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, तो तीन चीज़ें हैं हमारे पास टू स्लम, कल हमारा यहाँ एग्जाम का टेंशन है, बोल रहे हैं राजकुंद्रा केस को एक्सप्लेन करो, ये भगवान कहाँ जाऊँ मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, ये देखो कल हमारा पेपर है 2000 कई बच्चों का पेपर है NWDA का, तो हम पढ़ाई ना करें, बोल रहे हैं इनको समझाओ जी, हैं
बताओ, अब बोलो क्या करूं मैं, अब कहां जाऊं? कहां जाऊं बताओ? बोल रहे हैं कि राज कुंद्रा और इनका केसेस समझाओ। क्यों भाई, मेरे पास इतना समय है क्या? हैं, मैं यहाँ सिविल इंजीनियरिंग के सिविल इंजीनियरिंग में इतना फंसा हूँ, मुझे सोचने का समय ही नहीं है। इतने सारी चीज़ें, इतने सारे क्वेश्चनों को मुझे अभी वो करना है, बाइंड अप करना है। अभी रात का क्लास है 9 बजे, NWDA 2019 का पेपर सॉल्व पूरा कंप्लीट। चलो जी, खैर बताओ जरा, क्वेश्चन नंबर 15 में थिक्सोट्रॉपी क्या होता है ये आपको बताना है। डियर स्टूडेंट बताओ जरा जल्दी से, अगर आप कल की क्लास में थे तो मैंने थिक्सोट्रॉपी को बहुत डिटेल में आपको समझाया था, जीवन में कभी नहीं भूलने वाले थे आप। खैर जवाब करो, बोलो फटाफट से। चलो खैर, इधर देखो, देखो क्या होता है ना कि ये तुम्हारा ग्राउंड लेबल है, ये ग्राउंड लेबल है। सब लोगों का जवाब गलत आ रहा है भैया, अभी तक किसी का सही जवाब नहीं आ रहा है। मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देता अगर आपका जवाब किसी का भी सही आता, बट किसी का भी जवाब सही नहीं है। आप या तो जवाब करना नहीं चाह रहे हो, लाइक करो जरा वीडियो को जल्दी से, लाइक करो जरा वीडियो को फटाफट से। देखो ये तुम्हारा ग्राउंड सरफेस है, अभी इसके नीचे ये जो सॉइल है, ये तुम्हारा ये पूरा सॉइल का लेयर होगा। ये सॉइल आपकी अनडिस्टर्ब्ड सॉइल है, परफेक्टली इसके ऊपर कोई ना कभी ना कभी कोई चला होगा, या खुद के अपने वेट के कारण भी ये खुद कॉम्पैक्टेड होगी। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अनडिस्टर्ब्ड सॉइल। ठीक है, परफेक्टली इसका जो वॉइड रेशियो होगा वो भी काफी कम होगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। अब आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो इनऑर्गेनिक पार्टिकल है वो तो कॉन्स्टेंट है। अभी भी सही आंसर नहीं आया है, अभी भी सही आंसर नहीं आया। हाँ, अब जाके सही आंसर आ गया, अब मैं एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा कम कर सकता हूँ। अब आया कविता टमटा जी, आपका आंसर सही है, बिल्कुल एग्जैक्टली आपने सही कहा है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होगा इसमें, वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होगा डियर स्टूडेंट, इसमें कम होगा। ठीक है, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है ना, तो वॉइड रेशियो भी इसमें क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना, तो वॉइड रेशियो इसका कम हो गया क्योंकि कॉम्पैक्टेड है। अब मैंने क्या किया कि ये ग्राउंड सरफेस के ऊपर इसको एक्सकेवेटर से, यहाँ पर पता नहीं आपको क्या सूझी, आप कुछ घुट्टी पिए थे बाल जीवन वाली, आपने इस पूरी सॉइल को उखाड़ फेंक दिया और इस सॉइल को एक्सकेवेटर की मदद से यहाँ पर पूरा चट्टा लगा दिया। शायद आपके घर के लिए चाहिए हो, किसी काम के लिए एम्बैंकमेंट बनाना हो, या कोई फाउंडेशन में कहीं चाहिए हो, तो ये क्या देखते हो आप, कुछ समय के बाद ग्राउंड सरफेस में आप लाए तो यहाँ पर आपका ये जो एयर वॉइड्स होंगे, जो सॉइल में वॉइड्स होंगे उनमें पानी, सॉरी, जो वॉइड्स होंगे, छेद होंगे वॉइड्स, उसमें एयर का एक्यूमुलेशन होना शुरू होगा। एयर का एक्यूमुलेशन मतलब एयर जो है बंधना शुरू होगा, जिससे होगा क्या कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड बढ़ेगा। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, तो आपका क्या होगा, ई वॉइड रेशियो भी बढ़ गया। ठीक है, ये लूज कंडीशन में आएगा, लूज कंडीशन में आ रहा है। अब समय के साथ साथ धीरे धीरे कुछ समय के बाद, 1 साल 2 साल, इसको तुमने अब छेड़छाड़ नहीं करना है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कभी भी, कुछ सालों के बाद आप क्या देखते हो कि ये जो स्ट्रेंथ को लूज किया था, यहां पर शियर स्ट्रेंथ रही होगी ज्यादा, क्योंकि कॉम्पैक्टेड है परफेक्टली, इसको बढ़िया से इसमें स्ट्रेंथ रही होगी। हाँ, और यहां पर ये शियर स्ट्रेंथ क्या किया होगा, शियर स्ट्रेंथ जो है लूज किया होगा, क्योंकि वॉइड्स आ गया इसमें, जो स्ट्रेंथ यहां पर थी वो नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये शियर स्ट्रेंथ लूज कर दिया यहां पर, और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता गया, इसकी कॉम्पैक्टनेस बढ़ती रही, इसकी शियर स्ट्रेंथ आती रही, बढ़िया से ये अच्छी से हो गई सॉइल। फिर भले आपकी पुरानी कंडीशन पे नहीं आ पाएगा इतना, लेकिन आने की कोशिश करेगा। उसी प्रॉपर्टी को बोला जाता थिक्सोट्रॉपिक। तो आपने क्या कहा कि सबसे पहले स्ट्रेंथ लॉस और फिर स्ट्रेंथ गेन, तो सी ऑप्शन कहोगे ना, पहले लॉस हुआ फिर गेन कहेंगे। समझे बात को, समझे, यस और नॉट, क्लियर है? चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर जी रात वाली क्लास जल्दी करवाना, आप रात के 12 बजे तक करवाते हो, आज जल्द बंद करवा देना या फिर अभी शुरू कर दो। रात वाली क्लास भी
थोड़ा ब्रेक लाकर मुझे सुबह निकलना है। हाँ सही बात है, 4:30 बजे पेपर। हाँ सही बात है, मुझे पता है, मैंने कहा ना आपको, जब मैंने क्लास सेशन आज शुरू किया, आज ही अभी, तो मैंने कहा था कि आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको, क्योंकि सोना भी है, 4-5 घंटे लगभग तो आपको सोना ही है, 5-6 घंटे, तो मैं आपको 11 के बाद ही, अब 9 से 11 तक मैं ये कोशिश करूँगा, 2 घंटे में हम पेपर को निपटा देंगे, रैपिड फायर ही करेंगे, ठीक है ना। तो 9 से 11 तक मैं आपको पेपर निपटाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चन आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करना चाहता हूँ, क्योंकि वो फॉर्मूले आपको कल के एग्जाम में याद रहे, ठीक है ना। तो चलिए, खैर बताइएगा यहाँ पर। जय श्री राम अंकिता नेगी। इसके बाद ओनली राजस्थान जे की प्रैक्टिस करवा दीजिए सर। हाँ बिल्कुल अंकिता नेगी जी, इसके बाद मैं बिल्कुल राजस्थान जे की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है ना। 10 बजे हो रहा है एक क्लास आपका, और एक 5 बजे होगा, 10 और 5, 10 और 5, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये लो प्रेशर, किसके लिए हो गया ये, लो प्रेशर डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। तो सी होगा, आगे बढ़े, इस क्वेश्चन में जवाब करो। कंसिडर द फॉलोइंग क्ले मिनरल, सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर दियर प्लास्टिसिटी इंडेक्स, मतलब कि सब इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे कम और फिर धीरे धीरे धीरे। तो सबसे कम तो होता है डियर स्टूडेंट आपका क्योलाइनाइट का, क्योलेनाइट का, ठीक है ना। उसके बाद होता है इलाइट का, और सबसे ज्यादा जो होता है माउंट मोरोलिनाइट में होती है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है ना। चलिएगा, खैर ये क्वेश्चन आपके बेसिक बेसिक इरीगेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, अब बताओ जरा इसका जवाब, जवाब करो। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द लिमिट, सॉरी व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द, टाइम इंटरवल बिटवीन द सोविंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, सोविंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, ठीक है ना। मैंने आपको कहा भी था कि दो चीजों में कभी जीवन में आप कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल होने की जरूरत भी नहीं है डियर स्टूडेंट, क्योंकि मैंने आपको इरिगेशन का जो लेक्चर पढ़ाया था शाम को, वहीं पर बताया था कि एक पीरियड तो ये होता है ये आपका, और एक पीरियड आपका ये होता है, दो पीरियड है यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर आपने शोविंग किया, बोना स्टार्ट किया, और यहाँ हार्वेस्टिंग किया, काटना शुरू किया, इसी टाइम पीरियड को बोलता है हार्वेस्टिंग से शोविंग का पीरियड, इसको बोला जाता है क्रॉप पीरियड, बोला जाता है क्या, क्रॉप पीरियड। दिस इज द टाइम पीरियड बिटवीन द शोविंग टू दी हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन आपने देखा कि फर्स्ट वाटरिंग, और ये दी होगी आपने लास्ट वाटरिंग, लास्ट वाटरिंग, तो फर्स्ट वाटरिंग से लास्ट वाटरिंग का जो पीरियड होता है ये होता है आपका बेस पीरियड, ठीक है ना। क्योंकि सोविंग से पहले भी पानी दोगे, ये इतना पानी दोगे आप कुछ टाइम पीरियड पहले, और हार्वेस्टिंग से पहले भी आपने जरूर कहीं ना कहीं पानी दिया होगा, तो फर्स्ट वाटरिंग से लास्ट वाटरिंग का जो पीरियड होता है बेस पीरियड। अभी तो आपको बोला था सी ऑप्शन, कोर पीरियड बोला था, ठीक है, जवाब करो आप। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है इरिगेशन का ना, क्रॉप पीरियड मोर देन द बेस पीरियड। हाँ जी अंकिता नेगी जी, मैंने समझाया था आपको ना, क्रॉप पीरियड जो होता है थोड़ा सा ज्यादा होता है, हल्का सा ज्यादा होता है, और वो किस वजह से होता है ये भी मैंने आपको बता रखा है, क्रॉप पीरियड इज स्लाइटली मोर देन द बेस पीरियड एक्चुअली प्रैक्टिकली, बट एट डिजाइन पर्पज वी आर टेकन एज सेम। तो बी ऑप्शन हो जाएगा क्या, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड प्रोवाइड्स द क्राइटेरिया फॉर अर्थक्वेक रजिस्टिंग डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, अर्थक्वेक रजिस्टिंग डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, ये है अर्थक्विक, थोड़ा सा ज्यादा होता है। हाँ अर्थक्वेक डिजाइन के लिए आपका कौन सा कोड यूज होता है, जल्दी से बताओ भाई, बिल्कुल ज्यादा देर नहीं करनी है, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, IS कोड 1893-2002, दिस इज द कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर द अर्थक्वेक रेजिस्टिंग बिल्डिंग, ठीक है।
अच्छा ये क्वेश्चन भाई मैंने आपको परफेक्टली प्रूफ करके भी बताया है, और इवन मैंने वो लिखा, मैं आज नहीं बताऊंगा, कल जो आप लोग क्लास में रहते हो इरिगेशन की क्लास में मैंने करी थी, इवन आपने देखा होगा मैंने इरिगेशन की दो क्लास ली है, सर्वेइंग की एक क्लास ली है, सॉइल मैकेनिक्स की एक क्लास ली है, और आज आपका जो है NWDA का पेपर सॉल्व होना है। तो पांच क्लास आपकी चली है इस हफ्ते में जो टोटली NWDA बेस पर थी, 9 से 12 बजे तक, ठीक है ना, देखेंगे आप उस क्लास को। तो यहां पर आपको मैंने बताया था क्या, तीन इक्वेशन होती हैं, केवल तीन इक्वेशन होती हैं, वेरी गुड। इसका मतलब सब लोग क्लास में थे, कविता टमटा जी नहीं थे, ये गारंटी मिल गए मुझे, गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि जिन लोगों का तीन के अलावा जवाब आ रहा है वो मेरी क्लास में नहीं था, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में आपको वो इक्वेशन लिखाया था बोर्ड पे, ठीक है ना, लिखाया था क्या, वेरी गुड, चलेगा। तो बी क्वेश्चन थे, अभी जस्ट पहले मैंने बात करी है, खैर मैंने वहां पर नहीं बताया ये, खैर अभी बता देता हूं आपको, बताओ जरा, वाटरिंग डन प्रायर टू दी सोविंग ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड एज, बोलो, सोविंग ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड एज, फसल को बोने से पहले जो आप वाटरिंग करते हो, इसका मतलब यह है कि पहला इरिगेशन, तो ये है, फिर एक मंथ राजस्थान जी, हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। अब 12 सितंबर का टारगेट हमारा होगा, ठीक है ना, 12 सितंबर का टारगेट होगा राजस्थान के लिए, बस 12 सितंबर का टारगेट होगा राजस्थान के लिए, लेकिन वो क्लास का टाइमिंग थोड़ा अलग है, वो 10 बजे सुबह है, तो सब लोगों का क्लास में प्रेजेंट रहना है भाई 10 बजे, ठीक है ना, जब तक आप नहीं रहोगे तो तब तक नहीं होगा क्लास, 10 बजे प्रेजेंट रहना सबको, ठीक है ना। बताएगा ये जरा, इसका जवाब करो भाई, इसमें तो देखो 22 का डी कर रहे हैं, देखो कोर पीरियड कहाँ होता है बेटा, ये कोर पीरियड क्या होता है, ठीक है ना, पहले यू इरिगेशन, मतलब पहले नाम से पता लग रहा, पहले फीलिंग आ रहा है क्या, पहले, तो सबसे पहला जो वाटरिंग आप देते हैं पौधों को, प्लांट्स को, फसल को, वही होता है आपका पहले ही इरिगेशन। अब यही पूछा भी गया था, कोर पीरियड का मतलब होता है डियर स्टूडेंट कि किसी भी फसल को वाटरिंग, जो मैक्सिमम वाटरिंग दिया गया हो कभी भी पूरे क्रॉप पीरियड में, या बेस पीरियड में, क्रॉप पीरियड बोल सकते हैं, पूरे क्रॉप फसल पीरियड में जो वाटर का डेप्थ मैक्सिमम दिया गया होगा वही डेप्थ को बोलते हैं आप कोर वाटरिंग, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ वाटरिंग टू गिवन द प्लांट, टू गिवन टू द प्लांट, ओके, समझ गए बात को, क्लियर है, वेरी गुड। 10 बजे सुबह होगा डियर स्टूडेंट, राजस्थान जेई के लिए सुबह रोज अब आपका एक क्लास चलेगा, प्रैक्टिस क्लास चलेगा, उसमें मैं आपको बहुत प्रैक्टिस तो है ही, क्वेश्चन तो है ही, लेकिन उसमें साथ साथ मैं डिटेल में आपको क्वेश्चन कराने की कोशिश भी करूंगा बोर्ड पे, उसके पीछे का थ्योरी भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा, दिमाग में आपके घुसते रहे। अभी आपका एक पास एक टाइम तो है ना, एक महीने का परफेक्ट समय है, 1 मंथ का, वो राजस्थान जेई के लिए परफेक्टली, ठीक है ना, बल्कि मैं चाह रहा हूँ कि आधा घंटा में राजस्थान का उसमें जो सिलेबस है, मतलब कि नॉन टेक वाला, वो भी कराऊं आपको। खैर समझ गया आप बात को, वेरी गुड, आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट। क्या आपको याद है, क्या कि आपको याद है कि जो आपको मैंने तीन इक्वेशन लिखाई थी, क्या आपको याद है कि जो मैंने तीन इक्वेशन लगाई थी, एक वेलोसिटी के लिए थी, एक स्लोप के लिए थी, याद है, और एक आपका आर के लिए था, हाइड्रोलिक रेडियस, तो तीन इक्वेशन लगाई थी वहीं से तुम्हारा। फिर मीन वेलोसिटी के लिए जो आपने देखा था, जो आपकी लेसी थ्योरी पर तीन जो इक्वेशन आपने लिखी थी वहां से बताओ। हाँ ठीक है ना, राजस्थान निकलवा दो बेटा, अगर आप ईमानदारी से क्लास में रहोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप गारंटेड है। आपने देखा होगा पिछला एग्जाम आपने दिया हो, जो वो लीक हो चुका था, उसमें भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल में नहीं गया था, डिग्री नाम का वो बोलने का था, लेकिन जिन लोगों ने मेहनत से पढ़ा होगा, और इवन आपने मेरा क्लास दिया होगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सर्वेइंग से पढ़ा होगा अगर आपने, यूट्यूब से भी, FM पढ़ा होगा अगर आपने यूट्यूब से भी, सोम पढ़ा होगा अगर आपने यूट्यूब से भी, मेरी क्लास की बात कर रहा हूँ, और स्टील पढ़ा अगर आपने यूट्यूब से भी, अगर आपने इतना भी पढ़ा हो, हाईवे पढ़ा हो अगर आपने यूट्यूब से भी, तो आप बहुत अच्छे से कर सकते थे, वेरी गुड। तो यहां पर आप जवाब करें क्वेश्चन नंबर 23 में, ए हो जाएगा ना, QF स्क्वायर अपॉन 146 टू पावर 1/6, वेरी गुड। नेक्स्ट जवाब करो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जवाब करो।
मेरा 87 आया था लीक वाले में, हाँ तो कम थोड़ी था है ना। अब आपको और मेहनत करना है, एक महीने को ये समझो कि साम दाम दंड भेद सब कुछ भूल जाओ, 10-10, 11-11 भरे भरे घंटे भर दो, एक महीने का बस त्याग है, केवल एक महीने 12 दिन का त्याग है। अगर आप कल से लेके चलें तो 12 सितंबर को एग्जाम होना है तो उसने होना ही है, आप 12 सितंबर 12 दिन को हटा दो, एक महीना को लेके चलो, एक महीना मतलब 30 दिन को लेके चलो, 30 महीने का टारगेट है, टारगेट फिक्स कर दो ठीक है ना, कि हमको करना है 87 क्या बहुत अच्छा नंबर लाओगे आप ठीक है। चलो खैर, तो यहाँ पर आप बोलोगे बोथ बम्प इंटीग्रेटर एंड लेजर दो मेथड यूज होता है इंडिया में, तो खैर बम्प इंटीग्रेटर ज़्यादा यूज होता है, लेकिन आपको यहाँ पर दिखा दो जरा, द रोड रफनेस कैन बी मेजर्ड बाय बोथ बम्प इंटीग्रेटर एंड लेजर, बम्प इंटीग्रेटर इज द वाइडली यूज वेयर एज लोड इज द लेजर इज यूज एडवांस्ड कंट्री, ओके, और होता दोनों है, होता दोनों है। लेसीमीटर, लेसीमीटर एंड टेंसियोमीटर, ये नाम जरूर सुने होंगे आपने, लेसीमीटर एंड टेंसियोमीटर आर यूज्ड टू मेजर रिस्पेक्टिवली वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ क्वांटिटीज, बोलो जरा जल्दी से, बोलो भाई, क्वेश्चन नंबर 25 में बी ऑप्शन कर रहे हैं, इवेपो ट्रांसपिरेशन, जवाब आपका सही आ रहा है, इवेपो ट्रांसपिरेशन लेसीमीटर के लिए यूज किया जाता है, एक सेकेंड हाँ, चलो एक चार्ट पढ़ लेते हैं हम, फिर आप जवाब करना, इवेपो ट्रांसपिरेशन डियर स्टूडेंट लेसीमीटर ठीक है ना, ठीक, कैपिलरी पोटेंशियल जो कि आप सॉइल में पढ़ते हैं तो टेंसियोमीटर, सॉइल मॉइस्चर टेंशन जिसको कहते हैं, ट्रांसपिरेशन स्पेशली आपका फीटोमीटर, इस चार्ट को ध्यान से देखो, और इवेपोरेशन की बात करें तो एटोमोमीटर, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी जो है परमियोमीटर ठीक है ना, परमियोमीटर, एंड देन है आपका इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी इन्फिल्ट्रोमीटर, और रेन गेज है आपका रेनफॉल सिमुलेटर ठीक है ना, सिमुलेटर, और नेक्स्ट आपका ह्यूमिडिटी, ये है ह्यूमिडिटी, ये होता है हाइग्रोमीटर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये हो गया आपका सैक्रोमीटर, एंड नेक्स्ट हो गया विंड स्पीड, सबसे ज़्यादा ये देखा मैंने एक्चुअली में, ये वाला और ये वाला दो मैंने सबसे ज़्यादा देखे हैं भाई, कौन कौन से सर, एक तो ये है एनेमोमीटर और एक आपका लेसीमीटर है, ये दो ज़्यादा मैंने देखे हैं ठीक है ना। खैर ये तो आप समझ गए होंगे ठीक है, तो आप बोलोगे यहाँ पर इवेपो ट्रांसपिरेशन एंड कैपिलरी पोटेंशियल, तो बी ऑप्शन सबका सही था जी, बी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही हो जाएगा ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रेनफॉल इंटेंसिटी, ये क्वेश्चन आपका कल आ सकता है भाई, अच्छा क्वेश्चन है ठीक है ना, कल के एग्जाम में NWDA में ये आ सकता है, जल्दी से जवाब करो, या इससे रिलेट आ सकता है, रेनफॉल इंटेंसिटी फॉर द लाइट रेन इज नॉट लेस देन, नॉट लेस देन चलिए जवाब करो, क्या हो जाएगा यहां पर 2.5 होगा क्या देखो ना, अगर मैं बात करूं रेन का, रेनफॉल इंटेंसिटी का, तो अगर आप देखोगे कि 2.5 mm से रेन गेज जो हमारा होता है मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, तो उससे कम होता है तो उसको बोलते हैं लाइट रेनफॉल, 2.5 से 7.55 तक होगा mm पर आवर में तो मॉडरेट रेनफॉल, 7.5 mm से ज्यादा होगा तो इसको बोलते हैं आप हैवी रेनफॉल ठीक है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए फिर, तो सी हो जाएगा ना, डी कैसे होगा डियर, अरे सी ना होगा है ना ठीक है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब करो, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन आपका कल पूछा जा सकता है भाई है ना, बिल्कुल आराम से करो इसका जवाब, करो इसका जवाब आराम से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलिएगा जवाब करते हैं यहाँ पर, राइस क्रॉप इज टू बी इरिगेट इन द फील्ड कवरिंग एन एरिया, एरिया आपको सबसे पहले दे रखा है, क्या दे रखा है एरिया, कितना दे रखा है 2400 हेक्टेयर ठीक है ना, हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में कितना एरिया होता है आपको पता है, एक हेक्टेयर में 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर होता है।
अभी यहां पर आपको दे रखा है बेस पीरियड और ड्यूटी। ड्यूटी का जो वैल्यू दे रखा है डियर स्टूडेंट वो होता है आपका कितना 860 हेक्टेयर पर क्यूमिक दे रखा है। अच्छा यहां पर आपको दे रखा है बेस पीरियड जो कि दे रखा है 120। डियर स्टूडेंट सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा यहां पर डेप्थ निकालना पड़ेगा, डेल्टा निकालना पड़ेगा, डेप्थ निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा के लिए आपको पता है कि 8.64 इंटू बेस पीरियड अपॉन अपॉन आपका ड्यूटी, एक फॉर्मूला यूज करा हुआ आपने कई बार, होता है कि नहीं होता। अब एक्चुअली में बहुत लोगों को यह जानकारी नहीं होगा कि एरिया, ड्यूटी और डिस्चार्ज में एक रिलेशन होता है। क्या आप जानते हैं इस बात को? बिल्कुल जानते हैं। देखो जब आप देखते हो इस ड्यूटी और डिस्चार्ज में एक रिलेशन होता है, बताओ जरा क्या रिलेशन होता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ डियर स्टूडेंट। कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को पता है एक रिलेशन, बताओ जल्दी से। ये भले यहां पर जरूरत नहीं है, यहां पर तो जरूरत नहीं इसका, लेकिन एक रिलेशन पता होना चाहिए, खुद भी निकाल देगा। देखो डिस्चार्ज का मतलब होता है क्यूमिक से, डिस्चार्ज का मतलब होता है क्यूमिक, और ड्यूटी का मतलब है हेक्टेयर पर क्यूमिक। ये क्या है? हेक्टेयर पर क्यूमिक। आप खुद भी बना सकते हैं इस रिलेशन को, हमें चाहिए क्यूमिक, और एरिया क्या आपका हेक्टेयर है। अरे बनाओ जरा आप जल्दी से, बताओ जरा रिलेशन बनाओ एरिया, ड्यूटी और डिस्चार्ज में, बताओ जरा। अगर आप ए बाय डी करते हो, ए बाय डी करते हो तो क्या मिलेगा? ए अपॉन डी करते हो, ये क्वेश्चन आपका कल काम आ सकता है इसलिए बता रहा हूं। ए बाय डी करते हो तो ये हमें डिस्चार्ज मिलता है। देखो आप कट कर सकते हो, हेक्टेयर पर हेक्टेयर अपॉन हेक्टेयर पर क्यूमिक हो जाएगा, तो हेक्टेयर से हेक्टेयर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा क्यूमिक। तो रिलेशन समझ आया क्या, कैसे बनाया मैंने? खैर अभी तो आपका जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। सबसे पहले आपने देखो डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बी इंटू डी किया, सॉरी बी अपॉन डी किया, यहां से डेल्टा निकाल दिया। डेल्टा का मतलब होता है डेप्थ, डेप्थ ऑफ वाटर, ये निकाल दिया आपने डेप्थ क्या, वेरी गुड। अब वॉल्यूम इज इक्वल टू आप करते थे एरिया इंटू डेप्थ, करते थे क्या, तभी तो आएगा आपका वॉल्यूम। तो आपने एरिया आपको दे रखा है 2400 और आपने डेप्थ निकाल चुके हैं यहां से, तो आपका आ गया 2800 के करीब। आपने किया था किसी ने आंसर, किसी ने आंसर किया था? हाँ चलेगा, तो ये आपका कल के एग्जाम में भाई काम आएगा आराम से। इसको डी ऑप्शन जो है हम ध्यान रखना। ऑन द फ्लैट लैंड्स विद टाइप ऑफ कैनाल एलाइनमेंट इज यूज्ड, बोले जरा जवाब करो। ऑन द फ्लैट लैंड्स, फ्लैट लैंड है बिल्कुल फ्लैट, व्हाट टाइप ऑफ कैनाल एलाइनमेंट इज यूज, इसको क्या बोला जाता है, जल्दी से बोलो, ये याद करो जरा ध्यान से, जल्दी से जवाब करो। एक सेकेंड ना, लो अब बोलो। क्यू इज इक्वल टू ए बाय डी, कविता तमदा जी कह रहे हैं, इसका जवाब करो अब। क्वेश्चन नंबर 28 क्या करोगे यहां पर, देखो फॉर द फ्लैट लैंड द स्लोप आर रिलेटिवली फ्लैट एंड यूनिफॉर्म एंड इट इज वेरी इजी एंड एडवांटेजेस टू अलाइन कैनाल अलोंग द वाटर शेड, डियर फॉर नेम ऑफ दिस अलाइनमेंट, दिस इज वाटर शेड कैनाल, इसी को बोला जाता है वाटर शेड कैनाल, वाटर शेड कैनाल, दैट मीन्स दी आपके पास डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ रहे हैं, बताओ जरा काउंटर फॉर रिटेनिंग वॉल के बारे में हुआ है, जरा जवाब करो भाई, काउंटर फॉर रिटेनिंग वॉल। काउंटर फॉर रिटेनिंग वॉल डियर स्टूडेंट ये एक्चुअली में ये तब हम प्रोवाइड करते हैं जब 7 मीटर से ज्यादा ना हो, 7 मीटर की रेंज तक इसका होता है केवल 7 मीटर के लिए। इसका फिगर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, काउंटर फॉर इसको बुलाता है जो तुम्हारा इस तरह से सरफेस आपने दिया है ना इसमें कॉन्क्रीट का ही। वेन द हाइट ऑफ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल इज मोर देन अबाउट 7 मीटर, ओके ये ध्यान रखना आप, 7 मीटर के लिए जब आपका हो। बी कैसे कर रहे हो यार, कहाँ पर कर रहे हो आप, 8 मीटर नहीं 7 मीटर, ये बताओ। इन द एक्सियली लोडेड स्पाइरली रिइंफोर्स्ड शॉर्ट कॉलम द कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट इन साइड द कोर इज सब्जेक्टेड टू, क्वेश्चन नंबर 30 जवाब करें जरा फटाफट से। और इसमें तो आपका किसी भी
विद्यार्थी का आंसर गलत नहीं आना चाहिए किसी भी का, क्योंकि इसको मैंने इतने बार प्रैक्टिस कर दिया भाई, कभी भूलोगे नहीं आप जीवन में। जवाब करो। आशुतोष कुमार बोल रहे हैं ए, क्वेश्चन नंबर 30 के पूछ रहा हूं मैं, बेंडिंग एंड कंप्रेशन। स्पाइरल रिइंफोर्समेंट इज डिजाइंड टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ कोर बाय मेंटेनिंग द कॉलम यील्ड कैपेसिटी व्हेन सेल स्पॉल ऑफ। ओके, स्पाइरल रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कन्फाइनमेंट टू द कोर कॉन्क्रीट फ्रॉम ऑल डायरेक्शन एंड हेंस कोर इज अंडर ट्राइएक्सियल कंप्रेशन इन एक्सियली लोडेड कॉलम। कहने का मतलब है कि सब लोगों का आंसर अभी भी गलत आ रहा है। ये होता है आपका कॉलम इस तरह से, इस ये तुम्हारा टाइट कॉलम है, इसमें बार ऐसे होते हैं। स्पाइरल कॉलम का मतलब कुछ ऐसा होता है ये ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कोर में रहेगा कॉन्क्रीट, तो ये तुम्हारा ट्राइएक्सियल स्टेट में रहता है। कोर कॉन्क्रीट जो है ट्राइएक्सियल स्टेट में रहेगा, ये ध्यान रखना आपका, तीनों डायरेक्शन से कन्फाइनमेंट रहता है। तो आपके बाद बोलोगे ट्राइएक्सियल कंप्रेशन, क्या बोलोगे इसको, ट्राइएक्सियल कंप्रेशन। तो बी ऑप्शन जो होगा डियर स्टूडेंट आपका कंप्लीटली सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद जो है मैं क्लास को ऑफ करूँगा, क्योंकि हमें थोड़ा सा अब रात में भी करना है क्लास 9 बजे आज, ठीक है ना। मैं जल्दी आपका क्लास ओवर कर दूंगा, जितना जल्दी पेपर सॉल्व हो जाएगा, और ऑब्वियसली वो 1 घंटे का पेपर है, तो मैं ये कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी इसको थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश भी करूँगा, और ये भी फोकस रखूँगा कि आपको सोना भी है कल के एग्ज़ाम के लिए। खैर बताओ जरा जल्दी से जवाब करो, क्लास को मिस ना करें भाई, बहुत अच्छे से फ़ायदा करेगा आपके कल के लिए। बहुत सारे कॉन्सेप्ट गारंटी दे रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके कल के एग्जाम में डायरेक्ट याद आएंगे आपको। यहाँ सर ने आपने ऐसा बताया था कल रात, वही करके आओगे, देखना पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा आपको, पूरी कोशिश करूंगा कि पूरा पेपर सॉल्व करा। हाँ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए तब जाके छोड़ूंगा क्वेश्चन, नहीं तो कोशिश ये करूंगा कि जितना भी मेरे पास डेटा है क्वेश्चन का, NWDA 2019 का पेपर जो है पूरे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। 9 बजे से पूरा कंप्लीटली, 11 बजे तक का टारगेट रखूंगा, लेकिन देखते हैं कितना समय लगता है। 11 से पहले भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको और समय मिल जाएगा। तो यहाँ पर आंसर करें तो आपका देखा जाए तो ये आपको बोला गया डी स्टूडेंट IS कोड 456 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ 120² / D और 16 टाइम्स ऑफ द लीस्ट लेटरल डायमेंशन ये होता है इसमें। तो बी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही हो जाएगा, ठीक है ना, बी हो जाएगा ना। चलो बोल रहे हैं सर आपकी ये वाली क्लास कितने बजे हुई थी, 5 बजे 5 PM पर। यहाँ पर 1 घंटे का ही मेरा क्लास होता है, 5 से जो है 6 बजे। ये मेरी क्लास कंटिन्यू है, ये हमेशा होती है भाई, ये कभी नहीं आपकी रुकती है, 5 से 6 बजे रोज होगी आपकी क्लास, ठीक है ना, 5 to 6। ओके 5 to 6 ओके। और जो रात में होती है 9 से 11 बजे 9 से 12 बजे तक या 8 से 12 बजे तक, उसमें केवल इस हफ्ते का प्रोग्राम था वो, ठीक है। तो आपने देखा इसका आंसर बी हो जाएगा, वेरी गुड, ठीक है ना। ये बताओ जरा इसके बारे में, लास्ट इस क्वेश्चन पर कर देते हैं, द मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट विच द रिडक्शन इन वाटर कंटेंट डज नॉट कॉज अ डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। आपने देखा होगा डियर स्टूडेंट, एक कर्व को पढ़ा होगा आपने ये, तो इस कर्व को आपने थोड़ा सा ऐसा देखा होगा, ये ऐसा 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 ऐसा, तो ये होती है श्रिंकेज लिमिट, ये होती है प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट। इसके बाद आपका वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये तो था श्रिंकेज लिमिट, ठीक है। तो चलो मैं अभी का सेशन को तो ऑफ करता हूँ, मिलते हैं हम 9 बजे आराम से अपना, 9 बजे से पहले पहले 8 बजे से पहले पहले अपना खाना पीना सब बढ़िया से करके आओ, अपना रिलैक्स मोड में बढ़िया से हम पढ़ेंगे 1-2 घंटे, पूरा पेपर को बढ़िया से अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं और फिर कल एग्जाम देते हैं, ठीक है चलेगा। हाँ बोल रहे हैं कि सर पता चला है मुझे इस क्लास के, हाँ
सर सिलेक्शन लेकर आपसे मिलूंगा सर, एड्रेस सेंड कर देना। बिल्कुल जी, आप आओ तो देहरादून, मैं आपको लेने खुद आ जाऊंगा। चलो जी, खैर, थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का। टेक केयर, और मिलते हैं 9 बजे। चलो जी।